देखिए, जैसा हम लोग प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग्स कर रहे हैं, आज बहुत एक महत्वपूर्ण बैठक थी जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट था, जिसमें फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, एक्सपोर्ट्स करने वाली जो यूनिट्स हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, स्किलिंग के जो लोग हैं उनसे बातचीत हुई है। तो बहुत अच्छे प्रकार के जो सुझाव आ रहे हैं उनको सबको हम एक प्रकार से समाहित करने की कोशिश करेंगे। ये आपने ठीक कहा कि अब समय बहुत कम बचा है और अब कल से ही जो बजट की मोटा मोटा खाका है वो हमारे डिपार्टमेंट के लोग तैयार करना शुरू कर देंगे। अब बहुत कोई आवश्यक सुझाव आएगा तो उसको हम जोड़ेंगे, अन्यथा बहुत से सुझाव आ गए हैं, विधायकों के भी आए हैं, सांसदों के आए हैं, और बजट पेश करने के बाद भी जो कमेटीज़ का एक जो हमने बनाया है, सिलेक्ट कमेटीज़ का एक फॉर्म किया है, उसमें भी वो कमेटीज़ अपने हिसाब से बैठेंगी, कुछ उनका एक दायरा होता है, उस दायरे के अंदर अगर रह करके सुझाव देंगे तो फाइनल जब बजट के ऊपर बहस होगी उसमें हम चर्चा करेंगे। एक अच्छा बजट हम लेकर के आए हैं। कल ही हमने एक कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस ये बनाया है कि कोऑपरेटिव के माध्यम से भी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ये पहले से काम कर रही है, हरियाणा फॉरेन प्लेसमेंट सेल ये वर्कफोर्स को एक्सपोर्ट करने का भी हमारा एक जो काम चल रहा है, तो उस नाते से मुझे लगता है कि इस बार हमारा जो एक्सपोर्ट का काम है वो काफ़ी आगे बढ़ेगा और देश की जो इकोनॉमी है उसके अंदर हम अपना योगदान कर पाएंगे। सर, देश के गृहमंत्री ने हरियाणा की सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो परिवार पहचान पत्र है या फिर केरोसिन मुक्त हरियाणा है या अन्य जो योजनाएं हरियाणा सरकार ने शुरू की, आप मुख्यमंत्री रहते चाहे वो शिक्षित पंचायतों की बात हो, देश के गृहमंत्री ने एक तरह से सर हरियाणा सरकार की योजनाओं की तारीफ की और ये कहा कि ये बड़े बदलाव है, हरियाणा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, क्या कहेंगे सर? आपने हौसला अफजाई होगी, आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, बहुत अच्छा लगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।